प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अलीगढ़ के सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस ने नारा दिया था कि देश में गरीबी मिटा देंगे। गरीबी मिटाने के नाम पर इन लोगों ने वोट लिए, लेकिन इन लोगों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व से पूरे देश में 48 सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई गईं। देखिए, आजादी के बाद एक नारा कांग्रेस ने दिया कि हम देश में गरीबी मिटा देंगे। कांग्रेस ने रेखा खींच दिया कि गरीबी रेखा, अरे देश के गरीबों, तुम इस रेखा के नीचे रहना, तुम आवास की बात करना, तुम शौचालय की बात करना, पेंशन की बात करना, राशन की बात करना, लेकिन शिक्षा की बात मत करना, रोजगार की बात मत करना, नौकरी की बात मत करना, तुम गरीबी रेखा से ऊपर आने की बात मत करना। वो 60 साल तक इसी मामले में शासन किया, 19 साल तक लगातार सपा बसपा गरीबी मिटाने के काम को लेकर के इन लोगों ने वोट लिया, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आज जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एनडीए गठबंधन तैयार हुआ, पूरे देश में 48 सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए अलग अलग स्टेटों में, तो हम लोगों की जो चाहत है, देखिए पहली चीज मैं आपको बताऊं कि जनता के बीच में हम लोग उनको समझाने में असफल हैं। एनडीए सरकार में आयुष्मान कार्ड मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपया गरीबों को कि फ्री में इलाज 5 लाख रुपए तक आप करो, ये पहली बार भारत में ये स्कीम लॉन्च हुई।